भाई साहब भोला का ट्रेलर क्या ही जबरदस्त बनाया है। पहला टीजर शानदार था, दूसरा उससे भी बवाल, और तीसरा तो भाई खतरनाक जहर बना के रख दिया पूरा। मैं बिक चुका हूँ भाई इस पिक्चर के लिए, मेरा कार्ड लो, मुझे मूवी की टिकट ला के दो और कल के कल पिक्चर रिलीज करो। अब वेट नहीं हो रहा भाई मुझसे इस पिक्चर के लिए। रीमेक होने के बावजूद भाई ये मूवी इतना हाइप कर रही है, तो सोचो इस मूवी के अंदर पोटेंशियल कितना होगा। बेसिक स्टोरी तुम सबको पता होगी अगर तुमने इसकी रीमेक वाली यानी कि कैथी मूवी देख रखी है तो, लेकिन उसके अलावा अगर उस मूवी को देखने के बाद तो इस मूवी को देखने जाते हो तुम्हें क्या कुछ नया देखने को मिलेगा कि डायलॉग्स इतने शानदार, इतने इम्पैक्टफुल डायलॉग्स हैं जो कि तुम्हें एट टाइम्स क्रिंज बिल्कुल फील नहीं होते। उसके अलावा यूनिक एक्शन सीक्वेंसेस और इन सब के ऊपर तगड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक। मैं यहाँ पे बैठा हूँ भोला के ट्रेलर का रिव्यू करने, लेकिन कहाँ से शुरू करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। हर एक चीज़ बहुत सही लग रही है, ऑल दो कुछ फ्लॉज जरूर नोटिस होते हैं ट्रेलर के अंदर, लेकिन उनको इग्नोर कर सकते हो एक बार तुम ट्रेलर की वाइब में घुस जाओ तो। तो चलो शुरुआत से बात करते हैं भाई। इसका ट्रेलर शुरुआत ही होता है एक डायलॉग के साथ जहाँ तबू और अजय देवगन के बीच की कन्वर्सेशन चल रही होती है। मतलब तुमको एक सेकंड सेटल होने के लिए नहीं देगा और डायलॉग तुम्हारे मुंह पे फेंक के मारेगा। अभी मैं रिएक्शन करने बैठा था, जैसे स्पेस दबाया भाई डायलॉग चालू गए। मैंने सोचा कहीं कुछ स्किप तो नहीं हो गया, लेकिन उसके अलावा जो पहला ही डायलॉग है ना वो तुम्हें हुक कर लेता है ट्रेलर के अंदर। पहला ही डायलॉग बहुत शानदार है, इंपैक्टफुल लगने लगता है, और इस डायलॉग को सुनने के बाद भाई तुम 100% ट्रेलर की वाइब में घुस जाओगे। और इस पूरे ट्रेलर को देख के यही वाइब आ रही है कि ये लोग शायद अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स बिल्ड करे, यानी कि जो लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स साउथ में चल रहा है उसको ये लोग बॉलीवुड में भी वापस से रीमेक करे। और अगर अजय देवगन ना इन सारी पिक्चर्स को डायरेक्ट करता है तो भाई मैं तो तैयार हूँ ऐसी मूवीज देखने के लिए, कि भोला का ट्रेलर देख के ही इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट बन रही है कि अब क्या ही कहूं मैं। इसके अलावा ट्रेलर के अंदर 5 से 6 और डायलॉग्स हैं जिनको तुम एट टाइम्स सुन सकते हो पूरे ट्रेलर के अंदर, और भाई सबके सब खतरनाक लगते हैं। अभी जैसे कि प्रीवियस कुछ मूवीज के अंदर बहुत ही क्रिंज डायलॉग यूज किए गए थे, बिल्कुल उसकी तरह नहीं है, क्रिंज बिल्कुल भी लगते और इंपैक्टफुल लगते हैं। और मैंने ऑलरेडी इस पे बात करी हुई है कि इसके जो सिनेमेटोग्राफी है ना वो बहुत ही यूनिक है और मेरे को तो पर्सनली काफी सही लगती है। VFX थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग है लेकिन उनको तुम एडजस्ट कर सकते हो। इसके अलावा अपन ने जो टीजर 2 के अंदर जो एक्शन सीक्वेंस देखा था वो ट्रक वाला, उसका एक एक्सटेंडेड सीन हमें देखने को मिला जहां शायद अजय देवगन ट्रक लेके जा रहे होते हैं और सामने वाली विंडशील्ड से कोई मोलोटोव कॉकटेल फेंकता है उनके ऊपर। मोलोटोव कॉकटेल, हाँ मैं पहले पबजी खेला करता था, तुम भी खेलते थे क्या? एनीवेज वो वाला सीन काफी ज्यादा सही लगता है जब स्लो मोशन में वो मोलोटोव कॉकटेल ट्रक के अंदर आता है। एंड उसके अलावा जो बाइक का पूरा चेस सीक्वेंस दिखा जाएगा वो तो शानदार है ही, उससे रिलेटेड भी 2-3 एक्सटेंडेड शॉट्स हमें देखने को मिले जहाँ पे कुछ क्लोजअप सीन्स दिखाए गए वो भी काफी सही लगते हैं। एंड इन सब के अलावा अगर मैं बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करूँ तो भाई बैकग्राउंड म्यूजिक तो चेरी ऑन टॉप जैसा फील होता है, लिटरली गूज़बम्प्स दे देता है तुमको एट टाइम्स। एंड इसके अलावा इन लोगों ने इस ट्रेलर को एक मनी शॉट के साथ या फिर एकदम ऐसे ऊपर ले जाके नहीं खत्म किया, नॉर्मली खत्म कर दिया है, जो कि सेंस भी बनाता है क्योंकि फर्स्ट टीजर और सेकंड टीजर दोनों के अंदर लोगों ने मनी शॉट दिखाए थे, तो ज्यादा कुछ रिवील भी तो नहीं कर सकते क्योंकि थिएटर में क्या देखोगे अगर सब ट्रेलर में ही देख लोगे तो। और इस ट्रेलर को देखने के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि भाई मैं वीडियो शुरू कहां से करूं, पहले किस पे बात करूं, सिनेमेटोग्राफी, म्यूजिक या डायलॉग्स, ये तीनों एक्चुअली में इस ट्रेलर की मेन हाईलाइट थी। अब देखो कुल मिला के बोलूं तो ट्रेलर मुझे बहुत पसंद है, और अगर अभी तक तुमने नहीं देखा तो जाके देख लो, वेट क्या कर रहे हो। और भाई इस मूवी को तो मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वाला हूँ, चाहे जो भी काम हो जाए मैं काम छोड़ के भाई फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वाला हूँ, फ्लैट हो चुका हूँ मैं इस मूवी के लिए। तो इस मूवी का रिव्यू भी तुमको इस चैनल के अंदर देखने को मिल जाएगा, तो समझ रहे हो ना, मतलब थोड़ा सा सब्सक्राइब कर सकते हो अगर मतलब ऐसा रिव्यू देखना चाहते हो। और अगर ऐसे ही इंडियन सिनेमा और वर्ल्ड सिनेमा से रिलेटेड वीडियोज देखना चाहते हो, एक्सप्लेनेशन, रिएक्शन, रिव्यूज, तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आओ तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मेरा नाम है अविनाश और मैं मिलता हूँ आपसे किसी और दिन ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।